बोलिए भगवान महावीर स्वामी के दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी दस लक्षण पर्व के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कषायें हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाती हैं, और यदि हम एक एक करके अपनी ही कषायों को जीत लें तो चारों कषायों के अभाव में हमें अपने जीवन की जो ऊंचाई है, जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, वो प्राप्त हो जाती है। एक एक गुण हमारे जीवन में इन कषायों के अभाव में प्रकट होता जाता है। क्रोध के अभाव में हमारा क्षमा भाव प्रकट होता है। मान कषाय के अभाव में हमारी स्वाभाविक मृदुता या कोमलता हमारे भीतर प्रकट होती है। माया के अभाव में हमारी सरलता हमारे भीतर प्रकट होती है, और लोभ के अभाव में हमारी शुचिता या पवित्रता हमारे भीतर प्रकट होती है। आज शुचिता का दिन है, पवित्रता का दिन है। पूजा करने वाले दस लक्षण की पूजा में आज सत्य धर्म की पूजा कर चुके होंगे, पर तत्वार सूत्र जी के अनुसार और प्रतिक्रमण पाठों के अनुसार चार कषायों के अभाव में ही सत्य का दर्शन होता है। लोभ कषाय के अभाव में शुचिता या पवित्रता आए बिना जीवन की सच्चाई प्रकट नहीं होती, इसलिए आज उस लोभ कषाय के अभाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे अपनी शुचिता या पवित्रता को हम प्रकट कर सकें, इस पर अपन विचार करते हैं। लोभ की अपनी तासीर है, उसका अपना स्वभाव है। जो भी मिल जाता है उसमें संतोष नहीं होता, इसी का नाम लोभ है। एक निरंतर चाह या की आकांक्षा, इच्छा मन के भीतर बनी रहती है, वही हमारे भीतर के लोभ को प्रकट करती है। समस्त लोभ के अभाव में जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, जो शुचिता है, वो प्रकट होती है। संसार में लोभ के कई रूप देखने में आते हैं, जिसमें से तीन अत्यंत प्रसिद्ध है। व्यक्ति को धन संपदा की आकांक्षा होती है, वो उसकी वित्तेषणा कहलाती है। धन पैसा मिलने के साथ साथ व्यक्ति को अपनी संतति आगे चलती रहे, इसके लिए पुत्र की आकांक्षा होती है, वो पुत्रेष्णा कहलाती है। और इस सब के ऊपर एक और आकांक्षा होती है, इस लोक में मेरी प्रसिद्धि हो, ये लोकेष्णा कहलाती है। इस लोकेष्णा से तो शावक ही क्या, बड़े बड़े तपस्वी साधु जन भी नहीं बच पाते। ये लोभ अपने विभिन्न रूपों में हमारी उस आत्मा की निर्मल परिणति से हमें विचलित कर देता है, और हमें अपने उस
आत्म संपदा का ख्याल नहीं रहता और हम सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ में और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि आकांक्षाओं की पूर्ति आज तक कोई नहीं कर पाया, इसके बाद भी हम निरंतर उस लोभ कषाय के वशीभूत होकर आकांक्षाएं करते हैं और उन आकांक्षाओं की पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक असंतोष हमारे मन में निरंतर बना रहता है। आकांक्षाएं बहुत हों और पूर्ति के साधन सीमित हों तो निश्चित है कि पूर्ति नहीं होगी और असंतोष बना रहेगा, और यही संसार में दुख का कारण है या संसार में निरंतर भ्रमण का कारण है। हम विचार करें कि हमने अपने जीवन में जो जितना चाहा क्या उतना और वैसा ही हमने प्राप्त किया? हमने सांसारिक सुख सुविधाएं जितनी चाहिए क्या वो हमें मिली? उनके लिए हमने जो प्रयत्न किया क्या वह पूर्ण हुआ? कभी पूर्ण भी हुआ तब भी एक और आकांक्षा नई हमारे भीतर उत्पन्न करके ही वो गया, और इस तरह हम कभी भी अपने इस लोभ से ऊपर नहीं उठ पाए। बहुत प्रसिद्ध घटना है टॉलस्टॉय की, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर, कितनी जमीन चाहिए एक व्यक्ति को, उतनी सी जमीन और उतने ही सुख सुविधा के लिए वो व्यक्ति पूरे जीवन दौड़ता रहा। सुबह से शाम होने तक जितनी जमीन अपने पैरों से चल करके वो पार कर लेगा उतनी उसकी हो जाएगी, ये किसी ने उसे कह दिया। किसी ने क्या कह दिया? मेरे लोभ ने ही मुझे ऐसा आश्वासन दे दिया, और उस आश्वासन के चलते उस व्यक्ति ने सुबह से दौड़ना शुरू किया, शाम तक जहां से दौड़ा था वहीं वापस लौट के आना अनिवार्य था। सो दो बजे दोपहर की धूप में दौड़ते दौड़ते फिर लौटना शुरू किया, लेकिन शाम सूरज डूबने से पहले जिस रेखा से उसने दौड़ना शुरू किया था उससे चार कदम पहले ही सूर्य अस्त हो गया, और वह भी निडाल होकर के गिरा तो प्राणांत हो गया। जब उसकी कब्र बनाई गई तो उस पे लिखा गया कि हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर, कितनी चाहिए जमीन एक व्यक्ति को बस लेटने लायक मरण के समय, और इसके लिए पूरा जीवन व्यतीत करें। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो हमें अपने लोभ को या लोभ की तासीर को बताने के लिए पर्याप्त है। हम देखें कि इस लोभ से हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपनी उस पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हम कभी अभ्यास नहीं करते अपनी उस निर्मलता को पाने का, अपनी उस पवित्रता को, शुचिता को पाने का। सुचेर भावो शौच्यम, शुचिता का भाव यानी निर्लोभ प्रवृत्ति का नाम ही शौच धर्म। जितना जितना लोभ मेरा घटता चला जाता है उतनी पवित्रता मेरे भीतर आती है, या उतनी उज्जवलता मेरे भीतर आती है, उतने परिणाम मेरे भीग जाते हैं, उतनी कलुषता मेरी घट जाती है, या उतने मेरे जीवन में सार गर्भिता आ जाती है, या उतना मेरा जीवन निखालिस हो जाता है। जितना लोभ मेरा हम देखें कि लोभ घटाने के उपाय या कि
अपनी चमक, अपनी उज्जवलता बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? अपने जीवन को कलुषताओं से बचाने और अपने परिणामों को भिगाने के क्या उपाय हो सकते हैं? इन पर हम विचार करें तो शायद अपने लोभ से बचना हमें आसान हो पाए। विनोबा जब भूदान के लिए यात्रा पर निकले, 20,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने समय में करी। उस दौरान वे गांव में जाते थे, जिसके पास बहुत जमीन होती थी उसके घर पहुंच करके बाहर चबूतरे पर बैठ जाते थे, लोगों को जैसे ही मालूम पड़ता तो सब भागे भागे चले आते, बाबा आए हैं क्या चाहते हैं? पूछते वो कि भाई तुम कितने पुत्र हो घर में? तो लोग कहते हम 3 पुत्र हैं। विनोबा कहते कि ठीक से गिनो, भूल रहे हो। नहीं, हम तो 3 ही पुत्र हैं अपने पिता के। तो विनोबा हंस कर कहते और मुझे भुला दिया, मैं भी तो 4th पुत्र हूं। 3 पुत्रों में ही सारी संपदा, सारी जमीन नहीं बटेगी, 4 में बटेगी, मेरा हिस्सा मांगने में आया। 3 भाई होते, 2 भाई होते तो कहते मैं 3रा भाई हूं या मैं 4था भाई हूं, मेरा हिस्सा मुझे दो। ऐसा सुनकर के लोगों का लोभ घट जाता, उनका मन बहुत उज्जवल हो जाता और सहज भाव से वे विनोबा को अपनी जमीन देते चले जाते। लाखों एकड़ जमीन लोगों ने सहर्ष दे दी, जिस जमीन एक एक इंच जमीन के लिए व्यक्ति अपनी जान दे देता है वो जमीन सहज रूप से दे दी। क्यों? लोभ को घटाने का उपाय मालूम पड़ गया। वसुधैव कुटुंबकम्, यह सब मेरा ही परिवार है, मेरे ही अपने लोग हैं, ऐसी अगर व्यापक दृष्टि हमारे भीतर आ जाती है तब फिर हमारा लोभ सहज रूप से ता है और उज्जवलता हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। निराला बहुत बड़े साहित्यकार थे, रास्ते से चले जा रहे थे, प्रकाशक ने 300 रुपए उन्हें रॉयल्टी दी थी। रास्ते में भीख मांगने वाली बूढ़ी अम्मा ने उनके सामने हाथ फैलाया, एक नजर बूढ़ी अम्मा पर डाली और मन अत्यंत विगलित हो गया। मेरी माँ के समान है और हाथ फैलाना पड़ रहा। और उस बूढ़ी अम्मा ने भी मांगने से पहले कहा कि बेटा कुछ मुझे भी दे दो। ऐसा सुनते ही जितने रुपए रॉयल्टी में मिले थे सब उसके हाथ पर रख दिए। उस भीख मांगने वाली माँ ने कहा कि क्या करते हो, मुझे तो थोड़ा सा मैंने मांगा था। तो जवाब दिया कि एक तरफ तो मुझे बेटा कहती हो और भीख मांगती हो, अगर तुम सचमुच मेरी माँ हो या मैं सचमुच तुम्हारा बेटा हूं तो ये 300 रुपए रख लो और मुझे आश्वासन दो, संकल्प करो कि अब कभी भी भीख नहीं मांगी। क्या हुआ? लोभ घट गया, दोनों का चित्त अत्यंत निर्मल हो गया। भाई ये छोटे छोटे से उपाय हैं, रोज ऐसा अवसर हमारे जीवन में आता है, हम चाहें तो अपने मन को लोभ के वशभूत होकर के मलिन कर लें, हम चाहें तो ऐसे अवसर आने पर अपने लोभ को घटाकर अपने जीवन को चमकीला बना लें।
परिणाम भीग जाएं ऐसा कुछ काम हम करें, परिणाम भीगने से भी मन बहुत उज्जवल हो जाता है। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जबकि कोई बात ऐसी हो जाती कि हमारा मन बहुत विगलित हो जाता है, हमारा मन बहुत भीग जाता है भीतर तक। पुराण और चरित्र ग्रंथ इसीलिए उपयोगी हैं जिसमें कि महापुरुषों के जीवन में होने वाली घटनाएं सुन करके, धर्म की चर्चा सुन करके हमारा मन भीग जाता है। धर्मात्मा लोगों की संगति करने से हमारा मन भीग जाता है, संसार के प्रति जो लोभ लालसा है वो घटने लगती है। बहुत आसान सा उपाय है, पुराने लोग अवश्य शायद इस उपाय को जानते थे, इसलिए पुराण बांचने और सुनने की परंपरा हमेशा से बनी रही। व्याख्याकार नहीं हुआ करते थे, न कोई व्याख्याएं लंबी चौड़ी की जाती थी, न ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। चार लोग आठ लोग मिलकर के जो शास्त्र जी में लिखा है महापुरुषों का जीवन चरित्र, उसे एक दूसरे को बांच करके पढ़ करके सुनाते थे और मन हर्षित होता था, गदगद हो जाता था, थोड़ा सा अपने सांसारिक लोभ लालच में कमी आई कि देखो इतनी अपार संपदा थी, क्षण भर में वैराग हुआ, सब छोड़ के चले गए, अपन से तो एक चीज नहीं छूटती है, अरे धिक्कार है हमें हमारे लोभ को, ऐसा मन में भाव, इससे मन भीग जाता, फिर उतनी आसक्ति नहीं रह जाती। आसक्ति में घटना और थोड़ी कमी तो होती है। जैनेन्द्र कुमार अस्वस्थ हो हुए और अस्वस्थता इतनी हुई कि एम्स हॉस्पिटल में उनको दिल्ली में भर्ती कर दिया गया। वहां पर डॉक्टर सेवा में है लेकिन जवाब दे दिया है पता नहीं भीतर क्या कहां फंस रहा है कि सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है, सांस अवरुद्ध हो रही है, सब तरह के इलाज किए जा रहे हैं। आखिरी में डॉक्टर ने इतना ही कहा कि आप अपने भगवान को याद करें, हम आपकी बाहर से तो सब सेवा कर रहे हैं, आप इन क्षणों में अपने भगवान को अवश्य याद करें। जैनेन्द्र कुमार ने अपने जीवन के संस्मरण में लिखा कि डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय भर आया। मैंने जीवन में पंच परमेष्ठी का आलंबन पाया लेकिन कभी उस आलंबन का मैंने उपयोग नहीं किया, कभी उस पंच नमस्कार मंत्र को बहुत श्रद्धा से नहीं पढ़ा, ये सोचकर कि ये तो विरासत में मिला हुआ है। जैसे अपन को कोई चीज विरासत में मिल जाती तो उसका उपयोग नहीं समझते हैं, उपयोग उसकी उपयोगिता तो उसके अभाव में समझ में आती है, सद्भाव में हम नहीं समझ पाते। लोभ को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है कि जो प्राप्त है उसकी तरफ देखें, जो प्राप्त नहीं है उसमें सार्थकता ना माने, लेकिन क्या करें, लोभ का संस्कार ऐसा है कि जो प्राप्त हो जाता है वो व्यर्थ मालूम पड़ता है और जो प्राप्त नहीं है वही सार्थक मालूम पड़ता है। तब उन्होंने बहुत वर्षों के बाद पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण पूरी श्रद्धा से किया और अंदर से इतने विगलित हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। आधे घंटे तक उनका वो रुदन मन ही मन चलता रहा। आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर फिर से ड्यूटी पर आया उनका चेकअप करने, तो आश्चर्यचकित होकर उसने कहा कि नर्सेस को बुलाए कि क्या मेडिसिन पेशेंट को दी, पेशेंट ने क्या मेडिसिन ली। तो उन्होंने कहा कि कोई मेडिसिन नहीं दी,
पेशेंट से पूछा गया कि बताइए आपने क्या लिया इन क्षणों में, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने भगवान को याद किया है। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप खतरे से बाहर हो गए हैं, किसी भी क्षण यहाँ से आप अपने घर छुट्टी लेके जा सकते हैं, सारा रोग आपका कहाँ निकल गया हम नहीं कह सकते। वह कहीं कोई चीज फंसी हुई थी और वह उस मन के विगलित होने से वहां से हट गई, मानो कि मन के भीतर जो मलिनता थी वो हटने से उज्ज्वलता आ गई। कर्म जो मलिनता दिलाने वाले थे वे हट जाने पर, कर्मों की निर्जरा होने पर, असाता की निर्जरा होने पर, बताइए साता नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, लेकिन ऐसा हम उपाय ही नहीं करते जिससे हमारा मन भीग जाए। हमारे मन की चालाकी इतनी है कि वो उन चीजों का सानिध्य नहीं पाता जिनसे कि उसका भीगना हो सके, हृदय गदगद हो जाए, भर जाए। हृदय में तो हमेशा दाव पैंत छल कपट झूठ फरेब चलता रहता है, कहां से वो हृदय भीगेगा, कहां से उसमें कहीं कोई संवेदना आएगी? उपाय करें हम ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसी चीजों को हम अपनाएं जिनसे कि हमारा मन हमेशा विगलित हो, हम भर जाएं। और कलुषताएं मन की हटाने का क्या उपाय है? मन की कलुषता हटाने का बहुत आसान सा उपाय है कि हम हमेशा भलाई के काम करते, दूसरा कोई हमारे साथ बुरा भी करे तब भी हम उसका बुरा ना चाहें। देखें कैसे हमारा मन उज्जवल नहीं होता, अवश्य होगा। ये तो संसार में टिट फॉर टैट ये जो चल पड़ा है ना, ये पशु जगत की बात है, ये मनुष्य के लिए नहीं है कि जिसने जैसा किया तुम भी उसके साथ वैसे। ये तो पशुओं के लिए है, ये मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य तो विचारवान है, वो तो बहुत ऊंचा उठ गया है पशुता से। हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, हम तो हमेशा भलाई का ही काम करेंगे, हम तो हमेशा भलाई ही चाहेंगे। एक सेठ और व्यापारियों के साथ जंगल के रास्ते से व्यापार करने शहर जाता था। एक दिन व्यापार करके धन संपदा लेकर जंगल के रास्ते से लौटता था तो डाकुओं ने घेर लिया और सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि भोजन की सामग्री भी छीन ली। लेकिन जब डाकुओं के सरदार के पास वो सारा सामान पहुंचा तो उन्होंने कहा कि और सब छीना सो ठीक है, जाओ ये भोजन की सामग्री उन्हें लौटा करके आओ। और डाकू उन व्यापारियों को, सेठ को भोजन की सामग्री लौटा के आए। बात आई गई हो गई, वर्ष बीत गए, एक बार फिर व्यापारी और वही सेठ उसी रास्ते से व्यापार करके लौट रहा था तब वहां पगडंडी के किनारे एक व्यक्ति को बहुत पीड़ित अवस्था में देख करके ठहर गया। भूख से बेहाल था, प्यास से कंठ सूख गया था। उसे सिर पर हाथ फेर कर प्रेम से भोजन कराया, पानी पिलाया। जब उसने थोड़ी सचेत अवस्था आने पर देखा तो पहचान गया कि ये तो वही व्यापारी है, ये तो वही सेठ है। अब थोड़ा घबराया कि मैं तो अकेला हूं, ये इतने हैं। पर उनकी भलाई देख करके और कहा कि सेठ भूल गए, मैं वही डाकुओं का सरदार हूं, वर्षों पहले जिन्होंने तुम्हें लूट लिया था। सेठ ने कहा मुझे याद है, मैं तुम्हें पहचानता हूं। जब तुम मुझे पहचान गए तब फिर मुझे
भोजन पानी देकर के सचेत क्यों किया, क्यों नहीं मर जाने दिया? क्या तुम्हें वो मेरी बुराई याद नहीं है? तो सेठ ने कहा कि तुम्हारी बुराई तुम याद रखो, तुम्हारी भलाई मुझे याद है कि सारा लुट जाने के बाद भी तुमने मुझे भोजन की पोटली वापस लौटाई थी, वो भलाई मुझे आज भी याद है, तुम्हारा वो उपकार मुझे आज भी याद है। ऐसा क्या कभी अपन को दूसरे की भलाई याद रहती है? अगर हम भलाई करें और दूसरे की भलाई हमें याद रहे तो बताइएगा कैसे मन कलुषित होगा। लेकिन हम अपनी बुराई भूल जाते हैं, दूसरे की बुराई याद रखते हैं और अपने मन को कलुषित करते रहते हैं। मन की कलुषता और हटाने का सबसे आसान उपाय ये है, और जीवन को सार गर्भित बनाना। कैसे बनेगा जीवन सार गर्भित? जो कुछ भी वेस्टेज है उसे हम संचित करके रखते हैं अपने हृदय के अंदर, अपने घर के अंदर, जो कि सारभूत नहीं है, बहुत रिलेवेंट नहीं है।